ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 10 अगस्त की श्रीवदान की। स्वमान, स्वाभिमान और फिर औरों का सम्मान, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो आज परमात्मा हमें सिखाते हैं कि देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। तो सम्मान हमें कब मिलेगा? जब हम देहाभिमान में नहीं होंगे। देहाभिमान माने से मेरा तेरा आता है, मेरा तेरा आने से अभिमान, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आती है। तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चे इस एक जन्म में देहाभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। जो बच्चे इस एक जन्म में देहाभिमान का त्याग कर, मतलब कि अभिमान, ईर्ष्या, मैंपन, मेरापन का त्याग कर देते हैं, स्वमान में स्थित रहते हैं। स्वमान मतलब मैं कौन हूँ? परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से सब कुछ चाहिए, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो परमात्मा देगा, जहाँ बिठाएगा, जहाँ खिलाएगा, जहाँ जितना देगा उसमें मैं संतुष्ट हूँ, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त होता है। सम्मानधारी, सम्मान मतलब और आत्माओं से भी हमें सम्मान मिलना शुरू होता है जब हम अपने अभिमान को छोड़ते हैं। आज इंसान को खालीपन क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो अभिमान में रहता है, अहंकार में रहता है, राइट प्रूफ करने में रहता है। और वो भी राइट प्रूफ करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन राइट प्रूफ करने का तरीका होता है। तो वैसे व्यक्ति को अगर अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध के द्वारा अगर अपना प्रूफ करना पड़ता है पॉइंट, तो वो उसको स्वमान तो नहीं कहेंगे और सम्मान भी नहीं मिलने वाला उसको। तो राइट को राइट प्रूफ करो, लेकिन सभ्यता से। तो परमात्मा कहते हैं तो आपको स्वमान में रह करके, क्योंकि अगर आप सभ्य हो, मैं एक सभ्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा, तो कोई भी चीज़ को आप सिद्ध करोगे तो आप उसको सच्चाई से सिद्ध करोगे, शांति से सिद्ध करोगे। उसमें आपको सम्मान भी मिलेगा, उसमें आपको अपने आप से अपने आप को सम्मान देना भी आएगा। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है हमारे कर्तव्य को देख करके, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं, स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम जब परमात्मा के अनुसार चलते हैं, परमात्मा की बातों को मानते हैं और परमात्मा के दिए हुए नक्शे कदम पर, उनकी श्रीमद पर चलते हैं, तो हम अभिमान को छोड़ते हैं और हम आत्मा का प्रैक्टिस दिन भर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में शांति, ईर्ष्या, घृणा, नफरत नहीं होती है। हमारे मन में सत्य सत्य, असत्य असत्य का बिल्कुल क्लियर फंडा होता है, ये फंडामेंटल्स होते हैं जो कि हम सिद्ध करते हैं सभ्यता से। तो परमात्मा कहते हैं स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब हम स्वमान में रहेंगे कि मैं शांत स्वरूप सभ्य आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से भी सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने अगर सभ्यता छोड़ी तो दूसरी तरफ से सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान मिलना हमारे ही हाथों में है, हमारे ही कर्मों में है। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी। इसमें आप भी अपने खालीपन को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं ताकि आपके अंदर वो खालीपन ना रहे, आपको सच्ची रिस्पेक्ट औरों से भी मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट परमात्मा से पहले मिले। ओम शांति के साथ।